हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर, यानी थ्री डिजिट नंबर का गुणा वो भी शॉर्टकट से। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला हमने एग्जांपल लिया 365 एंड 416। तो हम सबसे पहले इनके बॉक्स बना लेंगे। तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले बॉक्स को देखेंगे, इसमें हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 का होता है 12, तो हम 12 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम पहले दो बॉक्सेस को देखेंगे, इसमें हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 6 18 प्लस कर देंगे 6 6 4 का 24 आ जाएगा 42। तो हम 42 का 2 यहाँ लिख देंगे, लेकिन 4 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद हम तीनों बॉक्सेस को लेंगे, तो हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 2 6 प्लस 5 4 का 20 प्लस 6 6 का 36, इसका आएगा 62। तो हम 62 का 2 यहाँ लिख देंगे, लेकिन 6 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद हम ये पहला बॉक्स हट जाएगा। फिर अब हम इन दो लास्ट के बॉक्सेस को देखेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 62 का 12 प्लस 6 5 का 30, तो आएगा 42। तो 42 और 2 यहाँ ऐसे ले लेंगे, लेकिन 4 ऊपर कैरी, 4 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद हम ये 5 प्लस कर लेंगे, तो सॉरी पहले हम इसको ये बॉक्स भी हट जाएगा, तो हम 5 2 का 10 कर देंगे, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे फाइनल कर लेंगे, तो 0 का 0 आ जाएगा, 2 और 1 3 4 5 6 6 2 8 4 5 6 और 1 6 8 6 3 0 हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सही, हमने एग्जांपल लिया 987 562। तो हम इसमें बॉक्स बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 987 562। तो हम इसमें बॉक्स बना लेंगे। फिर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसमें लगा देंगे। फिर हम सबसे पहले बॉक्स से देखेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9545 को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम इन दोनों बॉक्स से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9654 प्लस लगा देंगे, 8540, तो यह आ जाएगा 94। तो 94 का हम 4 यहाँ लिख देंगे, लेकिन 9 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद हम तीनों बॉक्सेस को लेंगे, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9218 प्लस लगा देंगे। उसके बाद 7535 प्लस 8648, तो आ जाएगा 101। तो हम 101 का 1 यहाँ लिख देंगे, लेकिन 10 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद जो पहला बॉक्स हट जाएगा, हम इन दो लास्ट के बॉक्सेस को देखेंगे। हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8216 प्लस 7642 58 आ जाएगा, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे और 5 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद ये बॉक्स भी हट जाएगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7214 1 कैरी हो जाएगा, फिर हम प्लस कर देंगे और 9614 1 कैरी हो जाएगा, फिर ये जाएगा 15 1 कैरी हो जाएगा, 554694 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा हमने लिया 7 2
9 और यहाँ आ जाएगा 6 5 6 15 हम इसमें बॉक्स बना लेंगे। तो ये बॉक्स बना लिए हैं हमने। अब हम इसमें सबसे पहले एक बॉक्स को देखेंगे, हम इसमें 7 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42। उसके बाद हम ये पहले के दो बॉक्सेस लेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 5 जो 35 प्लस 6 टू द स्क्वायर 47 आ जाएगा। तो हम 7 यहाँ लिख देंगे लेकिन 4 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद हम तीनों बॉक्सेस को एक साथ लेंगे, तो हम इसमें 7 3 जो 21 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 9 6 जो 54 प्लस लगाएंगे और फिर ये 25 का 10 आ जाएगा। तो हम 85 का 5 यहाँ लिख देंगे लेकिन 8 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद ये पहला बॉक्स हट जाएगा। उसके बाद हम आखिरी के दो बॉक्स को लेंगे, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 3 का 6 प्लस 9 5 का 45 ये आ जाएगा 51 का हम 1 यहाँ लिख देंगे लेकिन 5 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद हम ये वाला बॉक्स भी हट जाएगा, फिर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 का 27 का 7 यहाँ लिख देंगे, 2 ऊपर कैरी कर देंगे, फिर फिर हम इसे प्लस कर लेंगे, 7 ये हो जाएगा 3 ये 10 1 कैरी हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 16 1 कैरी हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 4 7 0 6 3 7 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं सर। हमने लिया 5 9 और ये 7 16 8। हम इसमें एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें हमने बॉक्स बना लिया 3। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम पहले बॉक्स को देखेंगे, तो 5 7 तो 35 हो जाएगा, तो हम 35 ऐसे डिटेल रख देंगे। उसके बाद हम पहले के दो बॉक्सेस को लेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 6 30 प्लस 5 6 30 प्लस लगा देंगे 2 7 14 तो आ जाएगा 44 का हम 4 ऐसे 4 यहाँ लिख देंगे लेकिन 4 ऊपर कैरी नहीं करते। उसके बाद हम तीनों बॉक्सेस को एक साथ लेंगे, 5 8 40 प्लस लगा देंगे। उसके बाद 9 7 63 प्लस लगा देंगे, 2 6 12 तो आ जाएगा 115 का 5 ऐसे लिखते हैं यहीं पर लिखने, लेकिन 11 ऊपर कैरी कर देंगे। उसके बाद ये बॉक्स हट जाएगा, फिर अब ये दो बॉक्स बचेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 8 16 प्लस लगा देंगे, 9 6 54 तो हमारा आंसर आ जाएगा 70। तो हम 70 का 0 यहाँ लिख देंगे, 70 का 0 यहाँ लिख दिया, 7 ऊपर कैरी कर देंगे। फिर ये बॉक्स भी ख़त्म हो जाएगा, फिर ये बॉक्स बचेगा, इसके अंदर हम 9 8 72 हमने मल्टीप्लाई करके 2 यहाँ जाएगा लेकिन 7 ऊपर कैरी हो जाएगा, फिर हम इसे प्लस कर देंगे, 2 ये जाएगा 7 ये 12 1 कैरी हो जाएगा ऊपर, 11 और 4 15 सॉरी 16 हो जाएगा, ये 1 कैरी हो जाएगा ऊपर, ये 10 हो जाएगा और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, ये 4 4 0 6 2 7 2 हमारा आंसर हो जाएगा।